हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रूमी फैमिली ब्लॉग। सब्सक्राइब कीजिए रूमी फैमिली ब्लॉग को और बेल आइकन दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ गरम मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए ये कितना बारीक पाउडर, गरम मसाला पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी मार्केट जैसा गरम मसाला पाउडर घर में बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। आप इसे बनाकर किसी भी डब्बा में भर कर रख सकते हैं और जब भी आपको सब्जी मीट मच्छी में ज़रूरत पड़े आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए, 2 चम्मच दालचीनी, 1 जायफल जिसे मैंने तोड़ कर ले लिया है, 2 चम्मच काली इलायची, 1 चम्मच हरी इलायची, 1 चम्मच लौंग और ये है काली इलायची का बीज जिसे मैंने निकाल कर अलग कर लिया है। आप चाहें तो इसमें जावित्री भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम ड्राई रोस्ट करते हैं। तो देखिए मैं फ्लेम को ऑन कर दी हूँ और उसके ऊपर एक तवा रख दी हूँ। फ्लेम को लो रखेंगे ताकि हमारा गरम मसाला जले नहीं। और सबसे पहले तवा के ऊपर हरी इलायची रखेंगे क्योंकि हरी इलायची में सबसे ज़्यादा नमी होता है। तो देखिए से मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो आइए अब दालचीनी तवा के ऊपर रख कर ड्राई रोस्ट करते हैं। तो देखिए मैं सारा दालचीनी तवा के ऊपर डाल दी। अब थोड़ी देर के बाद काली इलायची का छिलका डालेंगे और इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। और बाकी जो लौंग और काली इलायची का बीज बचा है इसे भी थोड़ी देर में डालेंगे। तो देखिए मैं हाथ से कैसे सारा गरम मसाला को उलट पलट रही हूँ क्योंकि हमारा तवा बिल्कुल हल्का गरम है। मैं बड़े आसानी से हाथ से उलट पलट ले रही हूँ। उसके बाद लौंग और काली इलायची का बीज डाल देंगे और इसे भी तवा पर अच्छी तरह से फैला देंगे। तो थोड़ी देर बाद तो देखिए मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दी हूँ और सारा गरम मसाला को थोड़ी देर तक तवा पर छोड़ दिया है। तवा ठंडा होने के बाद सारा गरम मसाला को उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो आइए अब इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए मैं इसे पीस कर बारीक पाउडर बना रही हूँ। थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन खोल कर देखेंगे कि ये पीस कर बारीक पाउडर बनकर तैयार हुआ या नहीं। तो आइए खोल कर देखते हैं। तो देखिए ये अभी बारीक नहीं पीसा है, इसे अभी ढक्कन लगाकर थोड़ी देर और पीसेंगे। थोड़ी देर पीसने के बाद गरम मसाला तैयार हो गया है। तो इसे एक पेपर पर छन्नी रखकर सारा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे।
तो देखिए हमारा गरम मसाला पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे गरम मसाला पाउडर की रेसिपी पसंद आती है तो इसे आप फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।